वेलकम टू सुपर फास्ट मैथ क्लास में उनका स्वागत है दोस्त। आज मैं आप लोगों को घटना चक्र का फिर पार्ट 7 कराने वाला हूं, जो कि इस वीडियो में घटना चक्र का भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होगा। देर नहीं करते क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस वर्ष जनगणमन को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान के अपनाया गया था। ओके नेक्स्ट। संपूर्ण राष्ट्रीय गान का बाद कार का मतलब कितना सेकंड में गाया जाता है? राष्ट्रीय गान कितना सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में। ओके नेक्स्ट। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंकित किया गया था, मतलब कब से अपनाया गया था, यह तक कब से अंकित किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ओके नेक्स्ट। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ओके नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रध्वज को बीच का चक्र कितनी तिल्लियाँ होती है? 24 तिल्लियाँ होती है, लेकिन 21 तिल्ली, ये गलत हो गया। 24 तिल्लियाँ होती है। ओके। राष्ट्रध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना होती है? तो 3:4 नहीं, लंबाई चौड़ाई 2:3 होता है। ओके इसमें केवल एक सही है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके नेक्स्ट। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रध्वज को प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ओके नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। ओके नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। ओके नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रध्वज में कितनी चक्र किस पर का प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। ओके। भारत के झंडे में चक्र जो है उसका न्याय का प्रतीक है। ओके नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के आरो या तिल्लियाँ होती है। ओके आरो को ही तिल्लियाँ कहते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है, मतलब सही है पूछ रहा है। ओके। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। नहीं, भारतीय राष्ट्र कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ओके ये ऑप्शन गलत हो गया। राष्ट्रीय पंचांग 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। नहीं, 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था, ये भी ऑप्शन गलत। ओके तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ना एक ना दो। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्त। ओके।